नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 279,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई समाप्त होने के बाद में आपको देखने के मिला है कि ऑर्डर रिजर्व हुआ है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल देखने को मिला और बहुत सारे दोस्तों जवाब भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर रिजर्व होना और साथ में ऐसा आपको पता है कि अंतिम समय पर ऑर्डर रिजर्व होना, इससे पहले दोस्तों आपको नियुक्ति मिलने वाली हो और नियुक्ति से पहले ही दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से पनौती लगती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। थंबनेल के अंदर मैंने काफी कुछ लिखा है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं चीजें मैं आपके यहां क्लियर करूंगा, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भर्ती रुकेगी, किन प्रश्नों पे कॉमन अंक मिल सकता है, कितने प्रश्नों पे कॉमन अंक मिल सकता है, और कॉमन अंक मिलेगा तो कितने अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, और अगर अभ्यर्थी पास होंगे तो संख्या कितनी बढ़ सकती है, फिर गुणांक का भी जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। साथ में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर नंबर बढ़ेंगे तो भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भर्ती रुकेगी या भर्ती चलती रहेगी। अगर नंबर बढ़ते तो रिजल्ट, आवेदन, जिला आवंटन या जो भी अब तक हुआ है वो सब कुछ होगा। बहुत सारे आपके जवाब सवाल हैं, उन सब के जवाब दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि अब यहाँ पे ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब ऑर्डर रिजर्व होने के बाद से काफ़ी लंबी सुनवाई देखने को मिली है। अब यहाँ पे दोस्तों कम से कम मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉमन नंबर मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैं 100% अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वो जज साहब पर डिपेंड रहेगा, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से जो ऑर्डर है वो नहीं दिखा गया है। सबसे पहला सवाल देखने के लिए मिलता है कि फिलहाल की जो कंडीशन को देखा जाए ऑर्डर रिजर्व होने के बाद, नंबर को बाद में बात करते हैं, क्या भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। जहां तक देखने के लिए मिला है भर्ती प्रक्रिया लगभग 200 रुकना तय है, क्योंकि अगर आने वाले समय के अंदर गलती से भी जैसा कि आप सभी को पता है एक नंबर ही बढ़ जाता है तो सारा का सारा रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। रिजल्ट रिवाइज करने के बाद में फॉर्म दोबारा भरवाने पड़ेंगे, फॉर्म दोबारा भरवाने के बाद मेरिट बनानी पड़ेगी, और मेरिट बनाने के बाद में दोबारा से लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता सरकार करना चाहेगी। एक सबसे बड़ा सवाल देखने को मिला है, कल दोस्तों लिस्ट जारी होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की तरफ से लिस्ट को कल जारी नहीं किया गया। जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिली उसके बाद दोस्तों आज भी आने वाली थी, तो इसमें दोस्तों इतना स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को जानकारी थी कि मामला गंभीर है, इसमें पीएनबी की गलती है, और इसमें कहीं ना कहीं छात्रों की कोई गलती अभी तक शुरू से लेकर एंड तक देखने के नहीं मिली है। चाहे दोस्तों अगर बात करें जो 60-65 का मामला देखने के मिला हो, या फिर दोस्तों बात करें आंसर के मामले को लेकर, जो तीन विवादों पर प्रश्नों पर कहीं ना कहीं कोई विवाद ही नहीं था उनके लिए दोस्तों आंसर बढ़ा दिए गए, और जिन पर कोई विवाद था उनको लेकर डिसीजन नहीं हुआ, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में मामला जिस हिसाब से सुना गया है आप समझ ही सकते हैं कि मामला गंभीर था। अब नंबर कितने बढ़ सकते हैं ये तो दोस्तों बात हो जाती भर्ती प्रक्रिया को रुकने को लेकर, तो लगभग दोस्तों अगर माना जाए तो 3 तारीख को काउंसलिंग होना संभव नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी जब ऑर्डर आएगा तो उसके बाद में आपको और भी सूचना मिल जाएंगी। वहीं अगर बात करें कि लिस्ट जारी होगी, लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पर डिपेंड करेगा कि लिस्ट जारी होने वाली है कि नहीं होने वाली, और अंतरिम आदेश क्या दिया गया है यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी जैसी सूचना होगी आप सभी को बता दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज की सुनवाई को देखा जाए तो भर्ती पे दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान तो पड़ गया है, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल यह देखने के मिलता है कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों अभी तक जो अगर याचियों की सुना जाए, जो कि महत्वपूर्ण सी बात है, याचियों को ही सुना जाएगा जो कि दोस्तों कोर्टरूम के अंदर थे, उनका कहना है कि लगभग 1 या 2 नंबर पर कॉमन मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर चीज़ें सुनी गई हैं। वहीं अगर दोस्तों अगर देखा जाए सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता वहाँ उपलब्ध थे उनको सुना जाए, तो उनका यहाँ पे कहना है दोस्तों उनके अलग ही तर्क वितर्क देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, जज साहब की तरफ से क्या डायरेक्शन होगी दोस्तों आपको 3 तारीख को सुना दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज शाम को एक नोटिफिकेशन मतलब कि ऑर्डर जारी किया जाएगा, जो कि आज की सुनवाई का होगा, उसके अंदर हो सकता है कोई अंतिम आदेश दिया गया हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों भर्ती में व्यवधान तो पड़ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती रुकना तय है। इस भर्ती की वजह से अगर बात करें आंसकी के मुद्दे को लेकर, जैसा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आंसकी के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, विवादित क्वेश्चन नहीं, हमने पहले जब आपको बताया था कि विवादित क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है नजरअंदाज कर दिया गया था, विवाद बढ़ना था, बढ़ चुका है। अब ऐसे में कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं, तो जानकारी जैसी मिल रही है अभी ऑथेंटिक नहीं है, मैं आपको फिर भी बताऊंगा, तो 1-2 नंबर की बातें की जा रही कि नंबर बढ़ने की संभावना है। बाकी 3 तारीख तक का आप सभी इंतजार करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी इस चीज़ को लेकर ऑफिशियल चीज़ें नहीं है। हालांकि जो मैं याचिकाओं से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उनके अधिवक्ताओं से जानकारी मिल रही है वो आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है, जैसे इसके बारे में कोई 100% ऑथेंटिक मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में
बताऊंगा, ठीक है। तो कितने प्रश्नों पर मिल सकता है, दो पर मिलने की संभावना है, कौन कौन सा। एक तो दोस्तों संविधान सभा वाले की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको परिभाषा वाले पर मिले या फिर नाथपंथ वाले पर। तीनों में से दोस्तों आपको नंबर मिलने की संभावना देखने के लिए मिल सकती है। और सरकारी वकील का दोस्तों अपनी तरफ कहना है, उनका कहना है कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो दोस्तों याचिका भी खारिज हो सकती थी। बाकी जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों आपको 3 तारीख को देखने के लिए मिल जाएंगी। काफ़ी लंबी सुनवाई देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है, चलो नंबर कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे अलग बात है, अगर एक नंबर बढ़ता है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा। देखो नंबर एक बढ़े या दो बढ़े या तीन बढ़े, प्रोसेस सारा बढ़ जाएगा, रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा। पहले आएगी संशोधित आंसर की, ठीक है, जैसी आंसर की आएगी उसके बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। अब आवेदन लेने के बाद में दोबारा से लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब कम से कम मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने प्रोसेस और ज़्यादा डिले हो जाएगा, पूरा जून निकल जाएगा, जुलाई आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि जिस दिन ऑर्डर सुनाया जाएगा उसके दोस्तों 2 दिन बाद तो कम से कम आपको आंसर की देखने को मिलेगी, और उसके बाद में दोस्तों आपको रिजल्ट देखने मिलेगा कम से कम 3 दिन के अंदर, और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा 3-4 दिनों में, जहां पर दोस्तों 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय दिया जा सकता है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद में प्रोसेस आगे दोस्तों होगा लिस्ट बनाने का, लिस्ट बनाने के बाद में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें दोस्तों आप सभी को बताएं कि अगर एक नंबर बढ़ता है, ठीक है, पहले हम एक नंबर बात करते हैं, तो रिजल्ट आवेदन और साथ में जिला आवंटन की लिस्ट और मेरिट सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको दोबारा से ही देखनी पड़ेंगी। अब ऐसे में 3 तारीख को क्या होगा क्या नहीं, इसको लेकर आप इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिसीजन को लेकर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक दो नंबर बढ़ेंगे तो कितनी संख्या बढ़ सकती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। अगर हम बात करें तो एक नंबर बढ़ सकता है, तो जैसा कि आपको था 3 नंबर कॉमन दिए गए थे जिन पर कहीं ना कोई विवाद नहीं था, वो ज़्यादातर लोगों के सही थे। उन 3 नंबरों को देखा जाए तो 14,000 अभ्यर्थी बढ़ गए थे, ठीक है। 3 से अगर आप डिवाइड करें 12,000 मान करके चलें, तब भी वहाँ पर 4,000 अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिले थे। अब ऐसे में यहाँ पर अगर दोस्तों एक दो नंबर बढ़ते हैं जो कि दोस्तों विवादित क्वेश्चन भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप इतना मान करके चलिए 4 से 5,000 अभ्यर्थी की संख्या दोस्तों एक नंबर बढ़ने की संभावना है। अगर 5,000 अभ्यर्थी एक नंबर बढ़ेंगे तो 2 नंबर पर दोस्तों आपको संख्या 10,000 के आसपास भी देखने के लिए मिल जाएगी, और अगर नंबर और बढ़ सकते हैं या कुछ और होता है तो इसकी संख्या और भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों समस्या उन लोगों के लिए भी है जो लोग दोस्तों बीएड बीडीसी हैं। बीएड की अगर बात करें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों के अगर 2 नंबर बढ़ते हैं तो आपको पता है वो तो दोस्तों जैसे ही अगर पास होंगे 90-97 पर उनका मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके बाद उनको दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है कि वो 90 पे 97 पे अगर दोस्तों क्रॉस कर जाते हैं पासिंग मार्क को, तो उनकी यहाँ पर नौकरी। तो यहाँ से इतना तो तय हो जाता है दोस्तों, अगर एक नंबर बढ़ेगा या 2 नंबर बढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट शिक्षा मित्रों को भी देखने के लिए मिलेगा। उनके भाला के बलबूते हैं वो दोस्तों जो चैन ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें उन लोगों के लिए होंगी जो कि दोस्तों बीएड या फिर बीटीसी को भी समस्या कम देखने के लिए मिल सकती है। जिनका गोडांग कम है उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर दिक्कतें देखने के मिल सकती है, जैसे 68 के आसपास है, 66 के आसपास है ओबीसी के अंदर या फिर एससी के अंदर, उनको यहाँ समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये तो दोस्तों बात हो जाती है कि और स्टूडेंट अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड होने के बाद में दोस्तों आपको एक और चीज यहां पर देखने मिलेगी, जिनका गुडांग पहले दोस्तों बन रहा था 69 पॉइंट कुछ में, उनका हो सकता है 70 के आसपास देखने के लिए मिल जाए। तो ऐसे में मेरिट दोस्तों काफी ज्यादा हाई जाने की संभावना भी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा उलटफेर हो सकता है। पीएनपी की पहली गलती जो की गई थी, 14,000 अभ्यर्थी को बेमतलब में पास कर दिया गया। अगर उन पर नहीं किया गया होता और यहां से अभ्यर्थी पास होते तो 14-15,000 दोस्तों अगर यहां से पास हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो कर दिए जो कि बिल्कुल फेल थे, तो ऐसे में कहीं की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा रिजवान अंसारी का एग्जांपल देकर के, वो सिंगल बेंच के अंदर पेटिशनर था। पेटिशनर हमेशा वही बनता है जो कि दोस्तों फेल हुआ होता है या फिर अगर वो 90-97 जो सरकार द्वारा लगा गया है उस पर पास नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों फेल था तो सिंगल बेंच के अंदर भी यहां पर लड़ा, डबल बेंच के अंदर भी वो लड़ा, और डबल बेंच के बाद में आपने देखा कि उसका रिजल्ट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो उसका लोकस नहीं है। लोकस का मतलब है कि वो याची नहीं बन सकता है, मतलब वो अपने आप को पेटिशनर के तौर पर वहां पर नहीं रख सकता है। ऐसे में जो लोग दोस्तों फेल हैं उनके नाम से याचिका डाली गई है, रिजवान अंसारी के नाम से याचिका नहीं डाली गई है। सेम चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे, जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिए उनका भी यहाँ पे कोई काम नहीं बनेगा, उनको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा क्योंकि उनके यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको देखने के मिलेगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले हमें 3 तारीख के ऑर्डर का इंतजार करना है और शाम को आने वाले ऑर्डर का इंतजार करना है कि उसके अंदर क्या अंतरिम आदेश दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों अगर बात करें जो भर्ती रोकने को लेकर है, कहीं ना कहीं दोस्तों संभावना ऐसी ही दिखाई दे रही है और ऐसा देखने के लिए मिल भी रहा है कि आने वाले समय के अंदर दोस्तों जो लिस्ट आने वाली है उसको लेकर भी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं कि वो लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से इस चीज़ को लेकर इंतजार किया जा सकता है।
बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को बताया कि सरकार की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई थी और कहीं ना कहीं दोस्तों संकेत करती थी कि मामला गंभीर है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पीएनबी की गलतियों की वजह से बार बार अभ्यर्थियों का समय खराब होता है। सिंगल बेंच के अंदर लगभग खराब हुआ, डबल बेंच में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ और फिर जाकर एक बार डबल बेंच और सिंगल बेंच का मामला दोस्तों दोबारा से फंस चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से विवाद देखने के लिए मिला है आने वाले समय के अंदर। आप सभी फिलहाल तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी दोस्तों आप सभी को मिलती है कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे उम्मीद दोस्तों मैंने आप सभी के सारे सवालों के जवाब क्लियर कर दिए होंगे। जल्द हाजिर होते दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ में। सो गाइस फ्लाई स्टूडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो।